अस्सलाम वालेकुम। बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्या ट्रीटमेंट थी? बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट गुडविल की वर्किंग में, नेट एसेट्स में ऐड या लेस, और बैलेंस शीट में रेलेवेंट एसेट या लायबिलिटी में ऐड लेस। तो ये तो बैलेंस शीट की चीज है, इसका तो यहां कुछ नहीं है। लेकिन यहां पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट है तो उसकी फॉर द ईयर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन क्या करें? उसको एक्सपेंस नहीं पड़ी नहीं होगी और चार्ज करेंगे। अगर एसेट की फेयर वैल्यू बढ़ाई है तो डेप्रिसिएशन और चार्ज करनी है, और अगर फेयर वैल्यू कम की है तो डेप्रिसिएशन कम करनी है। तो एक तो एक्सपेंस बनाना है तो यहां एक्सपेंस ले आएंगे, और बैलेंस शीट में ये एस की रिटेन अर्निंग को चार्ज करते थे तो यहां पर एस के पैट में से लेस करते, लेकिन फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन वहां क्या कर रहे थे? एक्विजिशन डेट से लेके अब तक की, अब करेंगे सिर्फ फॉर द ईयर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन यहां से लेस, और इनकम स्टेटमेंट के फेस पे एक्सपेंस और बना देंगे। ये आपको बता दी मैंने एडजस्टमेंट नंबर 6। और इसी तरह की एक मिलती जुलती थी कि जहां पर एक इनटेंजिबल एसेट खुद ही क्रिएट करते हैं तो उसका क्या करें, उसकी भी फिर फॉर द ईयर अमॉर्टाइजेशन चार्ज करेंगे। तो एडजस्टमेंट नंबर 6 भी पढ़ लें और नंबर 12 भी पढ़ लें, चैप्टर में पेज 17 पे 6 और 19 पे 12। पेरेंट है नंबर 6 में, अगर बाद में एस ने खुद ही कोई ना कोई वैल्यूएशन एडजस्टमेंट कर ली तो उसकी वाली को रिवर्स कर देंगे हम, वो लाएंगे जो हमने ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करनी है। अगर बाद में एस ने खुद से अपनी बुक्स में कुछ ना कुछ कर लिया है, कोई इंपेयरमेंट रिकॉर्ड कर ली, वो रिवर्स कर देंगे। जो हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कह रहे हैं ना, अगर बाद में एस ने कभी कर लिया है उसको खुद से रिकॉर्ड, ये कैफ में एक दफा पॉइंट टेस्ट हुआ था तो मैंने उसके लिए नोट डाल दिया कि अगर एस ने बाद में खुद से वो रिकॉर्ड कर लिया वो रिवर्स कर देंगे हम। इसी तरह की एक और बात ये कंटिजेंट लायबिलिटी में बताता हूँ, एडजस्टमेंट नंबर 13 पे आए और उसकी वर्डिंग चेंज कर लें, ये इतनी अच्छी नहीं लिखी हुई बात मैंने, ये लाइन चेंज कर लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 13, अगर एस की कोई कंटिजेंट लायबिलिटी थी जिसको एक्विजिशन डेट पे हम करते हैं क्रिएट, बैलेंस शीट में क्या करते थे? तीन केसेस बनाए थे मैंने कि अगर आज तक वो हवा में ही है तो उसको हम बुक्स में ले आएंगे, फिर एक था कि बाद में एस ने उसको रिकॉर्ड कर लिया है, फिर एक था कि बाद में वो सेटल हो गई है। बैलेंस शीट में तो ये तीन केसेस हैं, इनकम स्टेटमेंट में जो लाइन मैंने लिखी हुई है ना ये मुझे पसंद नहीं आई, इसकी जगह हम ये लिख लेते हैं कि क्या लिखें, इसमें सिर्फ इतना लिख लें कि कितना लिख लें, अच्छा चलिए इसकी लाइन बनाता हूं, नंबर 14 पढ़ लेते हैं इधर में, 14 और 15 दोनों पढ़ लें। ये वो है जो पेरेंट ने कंसिडरेशन या तो पैसे डिले किए हमें तो उसको हम बैलेंस शीट में डिस्काउंट कर रहे थे प्रेजेंट वैल्यू, या फिर वो कंटिजेंट वादा था, ये दोनों पढ़ लें 14, 15 और 16 भी, ये तीनों पॉइंट उसी परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड है। और ये वही बात बैलेंस शीट वाली के असल जो था वो मैंने बताया था, ये डिपेंड करता है कि सवाल में क्या एरर बताया हुआ है। जैसे अगर सवाल में कहा जाता है कि डेफर्ड कंसिडरेशन पेरेंट ने रिकॉर्ड ही नहीं की,
तो जो फॉर द ईयर फाइनेंस कॉस्ट बनती है वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर कहा जाता है कि कंटिजेंट कंसिडरेशन पेरेंट ने रिकॉर्ड नहीं की भी, क्या रिकॉर्ड कर लें? जो फॉर द ईयर उसमें फेयर वैल्यू चेंज है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर पहला साल है एक्विजिशन का और लैंड ट्रांसफर की थी उन लोगों को और पेरेंट ने रिकॉर्ड ही नहीं की, अगर पेरेंट ने कोई लैंड ट्रांसफर की थी और वो रिकॉर्ड करना ही भूल गया, तो उसका गेन लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे अगर ये पहला साल है। ये एडजस्टमेंट नंबर 16 में लिखा हुआ, तो 14, 15, 16 पढ़ लें। जी 14, 15, 16 अच्छा 18 में आपको उसी मास्टर क्वेश्चन के साथ कराता हूँ। और एडजस्टमेंट 2 पढ़ लें, ये भी आपको बैलेंस शीट पढ़ाते हुए समझाई थी। एडजस्टमेंट नंबर 2 ये फाइनेंस कॉस्ट में डालना ज्यादा बेहतर है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को बेहतर है फाइनेंस कॉस्ट में डाला जाए। एडमिन में भी छा जा सकता है लेकिन बेहतर फाइनेंस कॉस्ट। ब्रोकर कमीशन एक्चुअली ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है ना, ये पैसे रेज करने की कॉस्ट है, शेयर खरीदने की कॉस्ट है, तो एडमिन में डाल देना ज्यादा बेहतर है। अच्छा अब आ जाएं आप, ये एडजस्टमेंट 17 अभी रहने दें। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में अच्छा अभी ब्रेक में एक आईडी आया मुझे, आज मंगल है ना तो मेरे ध्यान में ये आइडिया आ रहा था कि मैं देखता हूँ कि जो मैंने एंड पे टॉपिक लपेटने थे ना, शायद मैं उनमें से कल एक लपेटूँ। और आपको अगर अगर रिवीजन कर रहे हैं तो अगर आप करना चाहते हैं 3-4 दिन और दे दूँ ये कंसोलिडेशन सारी करने के लिए, संडे को एसोसिएट्स कराऊँगा। अब मीन वाइल ये जो 3-4 दिन मिल जाएंगे आपको, बस मैं ये चाह रहा हूँ कि आप SOFP SOCI और चेंजेस इन इक्विटी इस पे कुछ ग्रिप कर लें, ताकि मैं आपको डिस्पोजल एक्विजिशन जब CFF लेवल की चीजें कराऊं तो आपके कदम जमे हुए हों। लेकिन ये सिर्फ तब ही है अगर इन 4 दिनों में कोई सवाल करने हैं, अगर कोई नहीं करने तो कोई फायदा नहीं। तो अगर आपने ये जो SOFP और SOCI जो मैंने सारे KF के सवाल डाले हुए हैं, ये अगर आप इन 3-4 दिनों में पूरे करने की कोशिश करना चाहते हैं, हाथ से करने का चाहे जबान के जरूर, तो फिर आपकी इस पर ग्रिप बेहतर हो जाएगी। तो फिर मैं देखता हूँ कल शायद कोई एक दिन वाला टॉपिक खड़वा लूँ, लेकिन कल पे डिपेंड करता है, कल के मूड पे डिपेंड करता है कि मैं आगे चलता हूँ या कोई एक दिन वाला टॉपिक बाद है। नहीं मैं तो आपको मतलब ये सवाल कर लें, लेकिन अगर नहीं करने तो बस चलते रहते हैं। ये मैंने सेट वन और सेट टू में जितने डाले हैं बेसिक के नाम से, बेसिक सेट वन डाला हुआ मैंने बैलेंस शीट, बेसिक सेट टू डाला हुआ SOCI, ये सब कैफ के सवाल हैं। अभी आप आ जाइए प्रैक्टिस क्वेश्चन में पेज 53, कल वाले सवाल को इनकम स्टेटमेंट की नियत कर दी करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन में पेज 53 है, कल वाला ही सवाल है लेकिन भूल भाल गए होंगे, एक नज़र दोबारा मारना है। वही सवाल है, मैंने बस उस सवाल को उसी डेटा को बैलेंस शीट की जगह इनकम स्टेटमेंट का कर दिया,
कंपनी वही है, वही 1 जुलाई 2018 को खरीदा था, उसी सवाल वही फिगर्स मैं इनकम स्टेटमेंट के सवाल के तौर पे करा रहा हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन में पेज 53, ये वही वाला मास्टर क्वेश्चन है, सिर्फ बैलेंस शीट हटा के मैंने इनकम स्टेटमेंट डाल दी है, बाकी सब डाटा वही है, फिर भी एक दफा दोबारा गुजार लेना नजर से। अच्छा, ये सारा कल मेहनत कर ली हुई है तो अब दोबारा नहीं, सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। For the year ending, share value June 30, 2020। और इसका करने का तरीका, सारी एसओसीआई बना ले ब्रैकेट खोल के, और ये भी आपको प्रैक्टिस से आइडिया होगा, नॉर्मली कॉस्ट ऑफ सेल थोड़ा रश वाला एरिया होगा तो उसको ब्रैकेट में करना है ब्रैकेट में कर लें, अलग वर्किंग करनी है अलग वर्किंग कर लें, एसओसीआई का फेस खोल लें और एनसीआई की वर्किंग खोल लें, ये 2 काम कर लेंगे। सेल्स पी प्लस एस 140 प्लस 141। कॉस्ट ऑफ सेल में चीजें ज्यादा हैं थोड़ी, मैं इसको वर्किंग कर लेता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी, 12 और 10, और एडमिन कॉस्ट 11 और 13, और फाइनेंस कॉस्ट 4 और 5, और अदर इनकम 9 प्लस 13, टैक्स 18, पैट अदर कंप्रिहेंसिव इनकम 3, रीवैल्यूएशन गेन कितना 1800 और 1500, टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम। प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ पी और एनसीआई वर्किंग टू, टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम एट्रिब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ पी और एनसीआई वर्किंग वन, कॉस्ट ऑफ सेल्स पी की कितनी 18,
लास्ट है 80,000 और एस की 82,000 और पेंसिल एस का पैड ग्राउंड तैयार किया खेलने के लिए। यहां तक पहुंचे फिर सवाल चलाता हूं। यहां तक चले। सवाल की तरतीब, इनकम स्टेटमेंट ब्रैकेट्स लगा के खोल लें। कॉस्ट ऑफ सेल का राश मुझे पता है सवाल में ज्यादा था, इसलिए मैंने ब्रैकेट कर लिया, अदरवाइज ये वर्किंग कर ली, अदरवाइज ब्रैकेट भी ठीक है। तो एसओसीआई का फेस पूरा खोल लें और एनसीआई की वर्किंग चला लें। अब सवाल तरतीब से, पॉइंट नंबर वन का इनकम स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट है। अच्छा, चूंकि कल हम ये सवाल कर चुके हुए हैं तो गुडविल कैलकुलेट हो चुकी, अदरवाइज अगर इसको पूरा सॉल्व किया जाए तो गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्यों कैलकुलेट करनी पड़ेगी? नेगेटिव तो नहीं, क्योंकि इस साल तो एक्वायर नहीं किया, पिछले साल किया था, क्योंकि इसमें आपको एस की रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है और वो इंपेयरमेंट की वर्किंग करनी पड़ेगी, इसलिए गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती। यानी इस सवाल के ऑफिशियल सॉल्यूशन में गुडविल भी कैलकुलेट करनी पड़ती क्योंकि इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना था। इसी तरह से अगर सवाल में एक पॉइंट लिखा होता पॉइंट नंबर सिक्स की जगह के 2020 में गुडविल 25% इंपेयर्ड है, तो फिर गुडविल कैलकुलेट करते फिर उसको 25% निकालते ना, तो गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ सकती है इनकम स्टेटमेंट के सवाल में, ये सवाल के डेटा से पता चलेगा। अदरवाइज बैलेंस शीट के सवाल में तो करनी है, इनकम स्टेटमेंट में करनी है कि नहीं करनी, जाग रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट के सवाल में गुडविल कैलकुलेट करनी है कि नहीं करनी, ये सवाल के डेटा से पता चलेगा। तो इस सवाल में चूंकि ये रिकवरेबल अमाउंट वाला पॉइंट दिया हुआ है तो गुडविल भी निकालनी पड़नी थी, कर चुके हैं कल हम। आगे पॉइंट नंबर वन में इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड क्या क्या है। पॉइंट वन, पॉइंट नंबर वन में चूंकि पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ था तो उसने ये डेफर्ड कंसिडरेशन भी रिकॉर्ड नहीं की हुई थी, कंटिंजेंट कंसिडरेशन भी रिकॉर्ड नहीं की हुई थी, तो कर लेते हैं रिकॉर्ड। तो डेफर्ड कंसिडरेशन में क्या खराबी है, मतलब क्या एडजस्ट करें इसको? फॉर द ईयर इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, तो फॉर द ईयर इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस में ले आते हैं। यहां पर कितना वैसे तो सवाल कल सॉल्व कर लिया हुआ है, लेकिन अगर जीरो से सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे निकालें 2000? एक्विजिशन डेट की पीवी कितनी, मैं ब्रैकेट में कर देता हूं आपको, फाइनेंस कॉस्ट डेफर्ड कंसिडरेशन पे देखें 7 रुपए, नहीं 4 रुपए, 4 रुपए, 4 रुपए इंटू 2800 कब देने हैं?
2022 के एंड पे। हम 2020 की इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। ये क्या किया? 19 के एंड पे आ गए, 22, 21, 20, 19, यानी हम 20 में खड़े हैं ना, तो ये 20 का ओपनिंग बैलेंस आ गया। इस पे 10%। हम 2020 की फॉर द ईयर 20 इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो पेरेंट्स की प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं की हुई। सही रिकॉर्डिंग करें तो क्या करें, इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर 20, तो ये जो लाल वाला काम किया है इससे हम पहुंच गए 19 के एंड पे पहुंच गए। 22 से एक साल पीछे, 21, 20, 19, यानी 20 के स्टार्ट में पहुंच गए। उस पे 10% लगाया तो फॉर द ईयर 20 पे करा दी कितनी, 84। तो ये पेरेंट की गलती है, यहां हम इसको रिकॉर्ड कर लेते। हाँ, 20 और 19 के एंड की फिगर निकालने और डिफरेंस लेने की। 841 और पॉइंट 1 में इनकम स्टेटमेंट का क्या काम है, कंटिंजेंट कंसिडरेशन एक्विजिशन डेट तक, यानी 2019 के भी शुरू में उस वक्त फेयर वैल्यू 1.25 थी, और अब 2020 में क्या हुआ, ये कंफर्म हो गया और इसको ले आए हम 3 पे, तो क्या करें जी, कितनी चेंज, 1.25 से 3 कर दिया इसको, और इसी साल में ही कंफर्म हुआ है, फॉर द ईयर 20 ही मामला रिजॉल्व हुआ है, तो इसको 1.25 से जब 3 पे लाएंगे तो 1.75 का और एक्सपेंस बनाएंगे। 2019 में कुछ यकीन नहीं था ना, इसमें आके ही ये सब हुआ है। हाँ, अगर डेटा होता बताया होता, लिखा हुआ वैसे, ये बात लिखी हुई है, कहाँ बोला, हाँ जी बिल्कुल लिखा हुआ, हाँ बिल्कुल लिखा हुआ, अगर ये 19 में 1.25 से 2 तक पहुंच गई होती तो 2 से 3 वाला हम एक्सपेंस 20 में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि 2019 में ये फेयर वैल्यू चेंज नहीं हुई थी, तो जो चेंज हुई है वो 20 में ही हुई है। अजीब अजीब शक्लें लगनी है मुझे आप लोगों को। कंटिंजेंट कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू हर साल अपडेट करते हैं, जो चेंज है वो पेरेंट के लिए एक्सपेंस है। 2018 1 जुलाई 2018 एक्विजिशन डेट थी, 1 जुलाई 2018, ये पहला साल गुजरा और ये अब हम दूसरे साल में खड़े हैं, यहां खड़े हैं हम। इस दिन इस वादे की फेयर वैल्यू 1.25 थी, इस दिन भी ये इतनी ही थी, अब 3 हुई है, तो इस साल में 1.75 एक्सपेंस बनेगा। अगर ये सेकंड लास्ट लाइन में लिखा होता कि ये 2 हो चुकी थी, तो अब हम सिर्फ 1 को एक्सपेंस और बनाते, तो ये जो मजीद फेयर वैल्यू चेंज है इसको भी एक्सपेंस बना लेंगे, एडमिन में डाल देते। कितना, 4900, ये 4900 है, 1.75 × 28, और इसको मैं यहां भी करूं, नहीं ये पी की गलतियां थी वो ठीक कर रहे हैं। और पॉइंट नंबर 1 में कोई इनकम स्टेटमेंट की चीज, लैंड पे गेन, वो तो पिछले साल की बात है, खरीदा कब है, पिछले साल, तो पिछले साल का वाक्य है, कोई मसला नहीं जी। पॉइंट नंबर 1 में और इनकम स्टेटमेंट का क्या है, पॉइंट नंबर 1 में और क्या है इनकम स्टेटमेंट का, वो तो 2019 की बात है, 2019 की बात है, 2019 की बात है, चले जी आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स, ये जो लैंड थी ये बाद में एस ने बेच दी थी, लेकिन ये भी पिछले साल की बात है। प्लांट की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का क्या करना है, फॉर द ईयर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, तो इस 3000 की एडजस्टमेंट की फॉर द ईयर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन बनी 3000 / 5, एस के प्रॉफिट में से लेस, और
चूंकि ये प्लांट है तो इसको कॉस्ट ऑफ सेल में भी डाल सकते हैं, और अगर ऐसा कुछ नहीं कहा तो एडमिन में भी डाल सकते हैं। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 600। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट पे रेलिवेंट लाइन आइटम में ऐड और एस के प्रॉफिट्स को चार्ज। पॉइंट नंबर टू में कुछ और बस। पॉइंट नंबर थ्री, ब्रांड है जो एक्विजिशन डेट पे इसको इज्जत मिली है तो फॉर द ईयर इसकी अमॉर्टाइजेशन आ जाएगी कितनी। ब्रांड की अमॉर्टाइजेशन और इसको क्या कर रहा हूं मैं आज भी, क्या एडजस्टमेंट हो रही है जो एसएफपी किया था उसकी फॉर द ईयर एडजस्टमेंट बता रहा हूं बस मैं। क्या करूं फिर, क्या करूं फिर। पॉइंट नंबर थ्री में कुछ और। पॉइंट नंबर फोर, हाँ जी, अगर ये एस, हाँ ये चीज नोट्स में नहीं लिखी हुई मैंने, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वाली ये लगता है नहीं लिखी हुई। नहीं लिखी, मैंने सिर्फ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की डेफिनेशन लिखी है। क्या करें भाई अगर लैंड इस साल बेची होती है इसने, क्या करते इस 2000 का, कुछ ना करते ओसीआई में आता, पता नहीं ना ये रिवेल्यूशन वाली है कि नहीं जी, तो क्या करते बैलेंस शीट में, क्या कर रहे थे 2000 का एस की रिटेन अर्निंग में से लेस कर रहे थे, तो इनकम स्टेटमेंट में क्या करते अगर इस साल पी ने इस लैंड। अच्छा देखें, वैसे तो कोशिश की थी कि बैलेंस शीट में सारी डिटेल सिखाऊं और उसका सबका इफेक्ट इनकम स्टेटमेंट में बता दूं, लेकिन ठीक है एक आधी चीज मिस हो गई तो उसको कॉन्सेप्चुअली देख लेते हैं। लैंड की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 2000, एस ने अगर 2020 में इसको आके बेचा होता तो ग्रुप की नजर में तो ये लैंड है ही नहीं 15 की, ग्रुप की नजर में तो है ही 17 की, तो एस ने क्या किया होता, इस पे प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड किया होता, ग्रुप ऑन टॉप ज्यादा रिकॉर्ड किया होता, इसीलिए तो एस की रिटेन अर्निंग से माइनस कर रहे थे। तो अगर इस साल बेची होती तो इस साल उसकी अदर इनकम से निकाल देते और यहां से माइनस कर देते। दोबारा सुनिए, ये जो लैंड की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है 2000 की, ये जो लैंड की फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट है, अगर ये इस साल आके एस ने बेची होती, इस साल नहीं है ड्यूरिंग बीस ही है कि 19 है, अच्छा 20 ही है जी, ऐसी इतनी लंबी कहानियां सुना रहा था, ये तो भी करके दिखा देता हूं। पॉइंट नंबर टू में पॉइंट मिस हो गया भाई, लैंड की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी, बैलेंस शीट में इसका क्या ट्रीटमेंट किया था, एस की रिटेन अर्निंग से माइनस किया था। क्यों किया था, क्योंकि एस ने इसको बेचा होगा, एस ने तो 15,000 के हिसाब से प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल निकाला होगा, जबकि ग्रुप क्वांटम इसे 17,000 के हिसाब से होना चाहिए। तो जो सुरूक बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग में किया था, चूंकि इस साल बेची है एस ने, तो इस साल उसके प्रॉफिट में उसने इसको यकीनन अदर इनकम बनाया होगा, वहां से माइनस कर लेते हैं 2 और यहां से माइनस कर लेते हैं 2। ये 2000 वाली बात नहीं समझ रही ना, बैलेंस शीट में भी नहीं समझ आई। ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लैंड एस के मुताबिक 15 की थी, तो एस ने जब इसको इस साल बेचा तो एस ने समझा कि मैंने 15 की चीज 19.5 में बेची है, तो उसने 4,500 का गेन इधर डाला हुआ है, जबकि ग्रुप की नजर में ये 19,500 की जो लैंड बिकी है ये असल में 17 की थी, तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से 4.5 से 2.5 का प्रॉफिट,
तो वो 2000 हमने यहां से माइनस कर दिया और यहां से माइनस कर दिया, सेम रीजन जो एस की रिटेन अर्निंग से माइनस करने की बताई थी। पॉइंट नंबर फोर, बैलेंस शीट के साथ क्या सलूक किया था? गुस्सा कर गया यार, नाराज हो? ठीक, पॉइंट नंबर फोर, एक्विजिशन डेट पे एक केस पेंडिंग था और उस वक्त उस मसले की फेयर वैल्यू 7000 थी। बैलेंस शीट वाली बात दोहराता हूं, बैलेंस शीट में हमने ये किया था कि गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में इस 7000 को लेस किया था, और चूंकि बाद में एस इसको अपनी बुक्स में ला चुका तो फिर उसका दूसरा फैक्ट बैलेंस शीट में क्या किया था, एस इसको अपनी बुक्स में लायबिलिटी बना चुका और 9000 की बना चुका 2019 में। कंटिंजेंट लायबिलिटी की डिस्पेंस समझा रहा हूं, जरा कोई से सुने। 2000 18 30 जून 19 30 जून 20 इस पेंडिंग केस की फेयर वैल्यू एक्विजिशन डेट पे 7 है। इस दिन एस इसको प्रॉपर बुक्स में प्रोविजन बना चुका, एस ने इसको 30 जून 2019 पे 9000 की प्रोविजन बना लिया था और ड्यूरिंग 2020 ये सेटल हो गई। एस ने अपनी बुक्स में क्या किया है, एस ने 2020 में अपनी बुक्स में क्या किया, अच्छा मैंने पॉइंट फोर बता रहा हूं ना अभी, वैसे इसकी सही अकाउंटिंग क्या बनती है? ग्रुप पॉइंट है, वैसे ये 7000 एक्विजिशन डेट का मसला था तो हमने उसको गुडविल की वर्किंग में से लेस किया और करंट लायबिलिटीज में ऐड नहीं, मैंने वैसे कटवा दिया था बाद में। एस इसको अपनी बुक्स में 9000 प्रोविजन बना चुका और 2020 में सेटल कर दिया। एस की इनकम स्टेटमेंट में फॉर द ईयर क्या चार्ज हुआ होगा? 1000 एक्सपेंस चार्ज हुआ होगा। एक मिनट पॉज करना यार।
अच्छा, मैंने इस क्लास में एंड कर रहा हूँ ये सवाल में। एक चीज मुझे अभी रियलाइज हुआ है कि ना मुझे इनकम क्षेत्र में भी केसेस बना लेने चाहिए कंटिजेंट लायबिलिटी के, तो इसको मैं फिर कल यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। है इसके बगैर तो पूरा हो जाएगा, बाकी सवाल तो पूरा हो जाएगा, लेकिन बीच में फंस गया ना काम, तो इसलिए मैं इसको फ्लो के साथ ही चलाता हूँ। तो कल इसको पूरा करके और चेंजेस इन इक्विटी करा के ये सेट पूरा कर दूंगा मैं। और एक वन क्लास टॉपिक है वो साथ